असलमैकम कैसे हो आप सब तो ये ना ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद मैंने ब्लॉक स्टार्ट किया था सुबह का टाइम था आमिना को भी ब्रेकफास्ट वगैरह करा दिया था और अपना उसके बाल बना रही हूँ आप लोगों में से मेरी तरह जो भी बेटियों की माँ होगी ना उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि एक बार बच्चे का अच्छे से बाल बन जाते हैं ना तो इतना सुकून होता है माओ को इतनी तसली हो जाती है मैं भी आमिना के पहले बाल बना देती हूँ बाद में सारे कामों में लगती हूँ वरना उसके बिखरे हुए बाल देख ना मुझे बहुत उलझन होती रहती है और फाइनली अब बाकी सारे कामों के बाद ना मैं किचन में आई हूँ लंच बनाने के लिए आज मैं बहुत ही सिंपल सा कीमा पुलाव बना रही हूँ फैजल ना आउट ऑफ टाउन चले गए थे दो तीन दिनों के लिए तो अब जब वो आए हैं ना तो उनको इतनी थकान हो रही है और कुछ ज़्यादा खा भी नहीं पा रहे तो इसलिए ना मैं बहुत ही हल्का फुल्का सा कीमा पुलाव बना रही हूँ तो सबसे पहले मैंने तीन मीडियम साइज़ की प्याज को लेकर ना चॉपर में ही अच्छे से बारीक बिल्कुल चॉप कर लिया आप चाहे तो ये काम हाथ से भी कर सकते हैं लेकिन चॉपर में ज़रा जल्दी हो जाता है और टाइम भी बचता है तो ये मैंने बिल्कुल बारीक से चॉप की अब ना ये कुकर में बनाऊँगी जो कीमे की यखनी है ना वो और चावलों को मैं अलग से बॉईल करूँगी तो मैंने कुकर में डाला है वन फोर्थ कप जितना तेल तेल जैसे ही हल्का गर्म हुआ इसमें जो बारीक चॉप करके मैंने प्याज रखी थी वो सारी मैं डाल दूँगी और अब इन प्याज को ना हल्का ब्राउन सा कर लेना है और दूसरी साइड पर ना मैंने पतीले में चावलों को भी बॉईल करने रख दिया था सिंपली नमक डाल के तो वो भी बॉईल हो रहे थे साथों साथ और अब ये देखो जब प्याज अच्छे से बिल्कुल हल्की ब्राउन सी हो गई ना इसके अंदर मैंने डाल दिया कीमा और कीमे को भी थोड़ा प्याज के साथ मैं मिक्स करके भून लूँगी एक आध मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर और थोड़ी सी बुनाई के बाद इसमें मसाले जाएंगे जिसमें है बहुत ही थोड़ा सा हरी मिर्च का पेस्ट अदरक लहसुन का पेस्ट और इनको ना मैं मिक्स करके भूनूंगी तसली के मुताबिक कि बस ये कच्चापन निकल जाए इसका जब अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाएगा ना तो फिर इसमें मैंने पाउडर्ड मसाले डाले जिसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर लाल मिर्च का पाउडर धनिया पाउडर ज़ीरा पाउडर वही सारे हमारे बेसिक से गरम मसाले अरे सॉरी पाउडर्ड मसाले और फिर इसके बाद मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया था लगभग हाफ़ टी स्पून जितना और बहुत अच्छे से मिक्स करके ना इन्हें भी थोड़ा सा मैंने पका लिया फिर इसके बाद ना मैंने दो छोटे साइज़ के टमाटर लेकर चॉप कर, कर लिए थे चॉपर में और ये भी मैं डाल दूँगी आप चाहे तो टमाटर की प्योरी जो आती है मतलब बिल्कुल पीस कर डालते हैं ना वैसे भी डाल सकते हैं तो बस ये चॉप किए हुए टमाटरों को डालकर मैंने बिल्कुल अच्छे से मिक्स किया और अभी तक हमने नमक डाला ही नहीं था तो अब टमाटरों के साथ नमक भी मैं डाल दूंगी ताकि जल्दी जल्दी से ये टमाटर जो है ना वो भी थोड़े सॉफ्ट हो जाए मैंने पर के लिए। और यहां पर मैं आलू छिल रही हूँ क्योंकि मैं कीमा पुलाव में आलू डालना बहुत पसंद करती हूँ बहुत अच्छे लगते हैं अच्छा अगर आप इसमें मेरे पास वो होती ना जो तुएर के दाने होते तो मैं वो भी डालती हूँ मटर भी डाल सकते हैं इसमें इनफैक्ट इसमें तो मसूर भी बहुत अच्छे लगते हैं तो आप मसूर या मटर या तुएर की जो दाने आते हैं वो डालना चाहे ना तो वो भी डाल सकते हैं तो खैर मेरे पास कुछ नहीं था तीनों में से तो फिर मैंने सिर्फ आलू ही डाल दिए आलू को बीच से बस मैंने दो पीस में काट लिया था और यहाँ पर अच्छे से कीमे की बिल्कुल बुनाई भी हो गई है आपको तेल छुटता हुआ नजर आ रहा होगा तो अब इसके अंदर मैंने आलू डाल दिए थोड़ा सा मिक्स किया और अब थोड़ा सा पानी डाल करना इसको गला लूंगी इतना कि कीमा जो है वो भी गल जाएगा और जो आलू है ना वो भी साथों साथ ही गल जाएंगे तो पानी ज़रूरत के मुताबिक डालना है और इसको अब बस लीड लगाकर मैंने हाई फ्लेम पर दो पिसल तक रखा था जैसे ही दो पिसल आ गई फिर लोग मीडियम फ्लेम पर मैंने पका लिया था और ये देखो साथो ना चावल भी यहाँ पर बॉयल हो गए थे तो मैंने स्ट्रेन करके रख दिए इन्हें भी चावल भी बॉईल हो गए थे और कीमा भी पक रहा था तो अब साथ सात ना मैं डिनर की भी तैयारी करती जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम था तो ना मैं जल्दी फ्री हो जाऊँगी डिनर भी बन जाएगा तो तो यहाँ पर मैंने चिकन निकाल लिया फ्रीज़र से कोकोनट निकाल लिया है और बहुत मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ एक्चुअली ये रिक्वेस्टेड रेसिपी है एक मेरे सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी कि आप रंधेड़ के जो फेमस खाऊ से आते हैं ना उसकी रेसिपी शेयर करना तो वही आज शेयर करूँगी इनशाला अच्छा तो ये ना मैंने अब क्या किया जब कीमा और आलू गल गए ना तो लेड हटा मैंने इसमें दो चम्मच जितना दही डाल दिया और दही को बहुत अच्छे से मैं ये कीमे की ग्रेवी में मिक्स कर लूँगी और दही डालने के बाद दो मिनट के लिए मैंने इसे लो फ्लेम पर छोड़ दिया था और ये कीमे की जो ग्रेवी है ना वो रेडी हो गई थी अब फटाफट से बिछा लेते पतीली में तो ये चावल का एक लेयर मैं लगा रही हूँ पतीली में बिल्कुल बिरयानी की तरह जैसे स्प्रेड करते ना वैसे ही आपको इसे अरेंज करना है पतीली में एक लेयर लगाने के बाद इसमें ये येलो फूड कलर मैंने थोड़ा सा बोल में बना के रखा है वो मैं डाल दूंगी इससे ज़रा कलर ना बहुत अच्छा ब्राइट येलो सा आता है ना चावलों में तो बहुत अच्छा लगता है फिर इसके ऊपर जो कीमे की ग्रेवी बना कर रखी थी वो डालूंगी लेकिन हाँ तरीका ये है मेरा कि जब मैं आलू डालती हूँ ना मैं बिरयानी हो या इस तरह से कोई भी पुलाव हो तो आलू को ना मैं कॉर्नर में प्लेस करती हूँ ताकि जब भी मैं निकालूँ ना चम्मच से इसे तो आलू टूट ना जाए अगर सेंटर में आलू डाल देते ना तो निकालते वक्त ना वो फिर टूट जाते तो इसलिए मैं साइड पर रखती हूँ आलूओ को और बाकी जो भी कीमे का मसाला ग्रेवी है ना वो सारी अच्छे से मैं इवनली स्प्रेड कर दूंगी और दोबारा से अगेन इसके बाद एक और लेयर आ जाएगा चावलों का ऊपर से अगेन थोड़ा सा येलो फूड कलर थोड़ा सा पुदीना मैंने डाला है और ना थोड़ी सी मैं जो फ्राई की हुई अनियंस है वो भी डाल दूंगी अच्छा मैं रेकमेंड करूँगी कि आप पुदीना इस तरह से ऊपर मत डालना क्योंकि जब दम देते हैं ना इसे तो फिर पुदीना ऊपर से काला हो जाता है तो या तो कीमे के साथ ही मिक्स कर लेना ग्रेवी के साथ तो खैर ये मैंने डाल दिया था ऊपर से फ्राई की हुई अनियंस और पुदीना और अब इसे ढककर मैं रख दूंगी बीस मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आँच पर दम के लिए पुलाव तो मैंने दम के लिए रख दिया था अब जो बाकी के सारे काम है ना वो मैं कर लूँगी तो यहाँ पर ना मैंने सैलेड भी बनाकर रख दिया था सिंपली प्याज और टमाटर काटे थे इसके अंदर थोड़ा सा दही डालकर नमक डाल दिया और धनिया पाउडर और जीरा पाउडर डाल दिया तो बस ये सैलेड भी हमारा रेडी हो गया अच्छा अब हम क्योंकि डिनर में से बना रहे हैं तो यहाँ पर ना नारियल की हमें जरूरत होगी तो ये मैंने फ्रीज़र में रखा था नारियल और अब निकाल कर ना मैंने इसे लगभग पंद्रह बीस मिनट के लिए बाहर ही छोड़ दिया था अब स्पून की हेल्प से ना इसकी कॉर्नर्स में थोड़ा प्रेस करूंगी ना तो मैं बहुत ईजिली निकल आता है ये देखो जब भी कभी नारियल की ज़रूरत हो ना तो उसे आधा घंटा पहले फ्रीजर में रख देना और फिर निकाल कर पंद्रह बीस मिनट बाहर रखना और चम्मच से ना उसे थोड़ा सा एजिश से निकाल कर थोड़ा सा प्रेशर देकर निकालोगे ना तो बहुत ही ईजिली निकल जाएगा अब खाउसे के लिए नूडल्स बॉयल करने तो एक बंच ना यहाँ पर मैंने नूडल्स का ले लिया है जो पतले नूडल्स आते हैं ना वो खाउसे के लिए मतलब ज़्यादा प्रेफरेबल है तो इसलिए ना थोड़े पतले नूडल्स ही लेना और अब इसमें पानी डालकर सिंपली मैंने इसको बॉयल करने रख दिया है मैंने इसमें कोई तेल नमक वगैरह कुछ नहीं डाला सिंपली पानी डालकर इसको गलाने रखा है और साथों साथ ना ये जो चिकन है उसके बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस करके मैंने रख दिए और जी ये तो हर माँ की कहानी है जब भी किचन में या कोई भी काम कर रहे होते घर का बच्चे पीछे से शरारत कर रहे होते और आमना को पता नहीं कहाँ से लिपस्टिक मिल जाती है जब मैं लगाने के लिए ढूंढती हूँ ना तो पूरा घर भी छान मारूँ ना मुझे मिलती नहीं और ये लड़की को पता नहीं कहाँ से मिल जाती है पूरा मुँह गंदा कर देती है मैंने को क्लीन किया उसका मुंह वगैरह सब कुछ साफ़ किया और अब ना थोड़ा सा मैं थक गई थी कंटिन्यूस काम करके तो ब्रेक लेने के लिए पाँच दस मिनट भी इस तरह से कामों के बीच बैठ जाते हैं ना तो बहुत अच्छा थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है और फिर दूसरे काम के लिए ना अपने आप ही फुर्ती आ जाती है अच्छा जी थोड़ी सी पेट पूजा के बाद बैक टू आर वर्क तो यहाँ पर रेसिपी की तरफ आते हैं हाउसे की मैंने पैन में ना एक टी जितना जीरा लिया है इसको थोड़ा सा मैं सेक लूँगी बहुत ही प्यारी सी जब खुशबू आने लगेगी ना तो इसको मैंने मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र किया है इसी के साथ दो खली मैंने लहसुन की लेकर थोड़ा सा काट कर इसे भी ऐड कर दिया है अब इसको मैं पीस लूँगी और इसका ना फाइन सा पाउडर बना लेना है अब खाउ से कि हम जो चिकन की करी आती है ना वो बना रहे सूप आप जिसे कह सकते हैं पतीली में मैंने तीन चम्मच जितना तेल लिया तेल जैसे ही हल्का गर्म होगा इसके अंदर जो जीरा और लहसुन मैंने पीसा था ना बिल्कुल बारीक सा वो मैंने डाल दिया और अब इसी के साथ साथ मैंने चिकन के छोटे छोटे पीसेस भी डाल दिए अब थोड़ा सा सॉटे करेंगे हम चिकन को जीरे के साथ और जब आप सौटे करेंगे ना इतनी प्यारी महक आ रही होगी किचन में कहने का तो बस जीरा और लहसुन है चिकन के साथ लेकिन फिर भी जब सौते होते हैं ना ये तीनों साथ में तो बहुत अच्छी खुशबू आती है ये थोड़ा सा मैंने भूना और इसके बाद इसमें मैंने डाला अदरक लहसुन का पेस्ट हाफ टी स्पून बिल्कुल थोड़ा सा हरी मिर्ची का पेस्ट और अब इसको थोड़ा सा मैं भून लूंगी ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए फिर इसके अंदर मैंने डाले चार से पांच कड़ी पत्ते अगर फ्रेश कड़ी पत्ते हो ना तो बात ही क्या है बहुत अच्छी खुशबू आती है कड़ी पत्तों की फिर इसमें हल्दी पाउडर लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा धनिया पाउडर मैंने डाला और जीरा पाउडर नहीं डाला क्योंकि जीरा हमने ऑलरेडी पीस कर डाला था और फिर नमक डालकर ना इसको बहुत अच्छे से मैंने मिक्स किया दस से पंद्रह सेकेंड्स मैंने थोड़ा भूना और फिर इसके अंदर पानी डाल करना अब मैं इसको गलने के लिए रख दूंगी पानी डाला होगा लगभग मैंने दो कप जितना और फिर अच्छे से मिक्स करके ढक कर मैंने इसे रख दिया ताकि चिकन बिल्कुल अच्छे से गल जाए और ये हमारे जो नूडल्स थे बॉयल करने रखे थे वो अच्छे से गल गए थे तो इन्हें स्ट्रेन किया और इसके अंदर एक टेबल स्पून जितना ऑयल डाल करना इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं रहेगी और बहुत ही अच्छे से मतलब अलग अलग रहेगी तो बस ये मेरा इतना काम हुआ था और बाद में लंच का टाइम हो गया तो जोहर की नमाज पढ़ी और अब यहाँ पर हम लंच कर लेंगे और बस जैसे मैंने कहा था बीस मिनट दम देने के बाद ना ये हमारा मजेदार सा बिल्कुल सिंपल सा कीमा पुलाव रेडी था okay, अच्छा लंच वगैरह करने के बाद आमिना को मैंने सुला दिया और यहाँ पर ना चिकन मैंने लगभग दस बारह मिनट में ही अच्छे से गल गई थी ये चिकन तो क्योंकि बहुत छोटे छोटे पीसीस होते हैं ना तो ज़्यादा देर नहीं लगती तो ये हमारी चिकन की बस सिंपल करी रेडी थी अब इसके अंदर फाइनल टचेज देने हैं तो छोटे से पैन में मैंने दो टेबल स्पून तेल डाला और इसमें तीन टेबल स्पून मैंने डाला बेसन और अब इसको हम तेल में बहुत अच्छे से भून लेंगे ज़्यादा कलर वगैरह चेंज नहीं करना बस इतना भूनना है कि प्यारी सी महक आने लगे इसकी और फिर इसके अंदर पानी डाल करना मैं इसको ज्यादा स्मूथ कर लूंगी कोशिश करनी है कि इसके अंदर जो भी लम्स है ना वो सारे खत्म हो जाए तो यहां पर ये देखो अच्छे से भून गया था अच्छी सी महक आने लगी थी तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल करना अब मैं इसको चम्मच से इस तरह से चला रही हूं हल्की आँच रखनी है सारे टाइम ना जब भी बेसन को भून रहे हो आप हल्की आंच रखनी है और पानी की क्वान्टिटी ऐसा नहीं बता सकती लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा करके आपको ऐड करते जाना है पानी क्योंकि ये बहुत जल्दी बेसन है ना तो बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है तो अब बस चम्मच चलाकर इसको स्मूथ किया और बस मेक श्योर करने के लिए कि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना हो मैंने स्ट्रेट ट्रेनर के ऊपर रखकर ना इसको बहुत अच्छे से छन्नी में इस तरह से छान लिया तो ऊपर ऊपर जो बड़े बड़े लम्स थे ना उनको मैंने डिस्कार्ड कर दिया और ये नीचे देखो बिल्कुल हमारा बेसन का स्मूथ मिक्सचर रेडी है अब ये जाएगा हमारी चिकन की करी में जो कि हमने ऑलरेडी चिकन जिसमें गला के रखी थी ना उसमें डाल देंगे सारे मिक्सचर को और बोल में थोड़ा सा बेसन लगा हुआ था तो पानी से मैंने थोड़ा खंगाल कर पानी भी डाल दिया इसमें और अच्छे से एक बार मिक्स करूँगी अब एक और स्टेप है इसमें जो कि हमें करना है इसे ढककर मैं साइड पे रखती हूँ अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें कोकोनट को अच्छे से पीस कर रखना है तो मैंने नारियल ले लिया था जो आपको बताया था ना आधा शैल लिया था आधा नारियल लेना है और इसको बिल्कुल बारीक बारीक काट कर मिक्सी के जार में डालना है अच्छा एक और बात जो नारियल लेते हो और उसके ऊपर जो ब्राउन स्किन होती है ना वो आपको निकाल देनी है और बाद में इसको पीसना है लगभग मैंने तीन से चार चम्मच इसमें पानी डाला था और बिल्कुल बारीक पीसना है एज मच एज पॉसिबल जितना बारीक हो सके ना उतना बारीक पीसना और बिल्कुल बारीक पीसने के बाद इसको मैंने वही हमारी चिकन की करी में डाल दिया जिसमें हमने पहले बेसन का मिक्सचर डाला था और अब इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स करते हुए हल्की आंच पर पका लेंगे इतना पकाना है अब कि यह हल्की सी गाढ़ी साइड पर भी चली जाएगी और तो और इसमें एक बॉइल भी आ जाएगा तो लो मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे कंटिन्यूस पकाया था और लो मीडियम फ्लेम पर लगभग इसमें चार से पाँच मिनट में, में ही उबाल आ जाता है तो जब एक बॉइल आ गया ना इसमें तो फिर बस ये मैंने फ्लेम को ऑफ़ किया और ढक कर रख दिया ये हमारी चिकन की करी जो है चिकन का सूप वो रेडी है खाउसे के लिए अब तो ठंड आ गई है और दिन छोटा हो गया है लेकिन हम हाउस वाइफ के काम कहाँ कम होते हैं वो तो उतने ही रहते जितने होते हैं तो इसलिए फटाफट से यहाँ पर मैं चाय रख रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर में ही असर का टाइम हो जाएगा और दोपहर का वक्त तो इतनी तेज़ी से निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता और फिर चाय रखने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना मज़े का डिज़र्ट भी बना लेते ताकि डिनर के बाद थोड़ा एंजॉय करेंगे तो सिंपल सा कस्टर्ड बना रही हूँ और इसे ठंडा करने फटाफट से रख दूँगी फ्रिज में ताकि रात में ना ये अच्छे से चिल्ड हो जाए और इसके अंदर मैंने कुछ फ्रूट्स भी थे चीकू और एप्पल था और बनाना था तो वो काट कर भी डाल दिया था तो बहुत अच्छा फ्रूट कस्टर्ड रेडी हो गया था डायरेक्ट ठंडे दूध के अंदर ही मैंने कस्टर्ड पाउडर और चीनी डाल दी थी और हाँ ये चीज़ ना आप तभी कर सकते हो जब दूध ठंडा हो या रूम टेम्परेचर पर हो कभी भी गुनगुने या गर्म दूध में डायरेक्ट के लिए कस्टर्ड पाउडर डालने की भूल मत करना वरना जो उसमें ना गांठे बन जाएगी लम्स बन जाएंगे तो ठंडा दूध था तो फिर मसला नहीं है मैंने डायरेक्टली कस्टर्ड पाउडर डाला और चीनी भी डाल दी अब इसे हाई फ्लेम पर फटाफट से पका लूँगी इतना कि बस ये गाढ़ा हो जाए अच्छा शाम को हम बाहर निकल गए थे और ये रात में लगभग लग साढ़े आठ नौ बजे के करीब हम घर में आए थे तो फटाफट से ये जो खौसे की कड़ी बना के हमने रखी थी ना वो मैंने गरम की और ये बोल में मैं डाल रही हूँ तो आप इसका कलर और टेक्सचर देख सकते हैं यहाँ पर और जो चिकन के पीसेस है वो भी डाल दिए और इसके अंदर जो नूडल्स बॉयल करके रखे थे वो डालूंगी बाद में नूडल्स डालने के बाद इसमें पापड़ी डलेगी तो जो पापड़ी थी ना उसको मैंने क्या किया जो आ, स्ट्रिप्स आती है ना पट्टी आती है समोसे की उनको ही फ्राई कर लिया था तो ये पापड़ी बहुत ही इंस्टेंटली रेडी हो गई और ये मैंने अच्छे से थोड़ा सा हाथों से क्रश करके डाल दी इसके बाद इसमें अगर हरी प्याज होना तो वो डाल दे ना वरना स्किप भी कर सकते हैं लेकिन हाँ प्याज़ ज़रूर डालना बिल्कुल पतली पतली काट कर और बस फिर क्या इसमें अच्छे से नींबू निचोड़ो और इसके मज़े लो इतने डिलीशियस लगते हैं और हम हमारे सूरत में तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है हर किसी को बहुत पसंद आते हैं और मेरे हर खाने की तरह इसमें भी थोड़ी मैं मिर्च कम रखती हूँ क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है और नूडल्स तो खाती है आमना लेकिन उसको ना ये खाउसे का सूप भी बहुत अच्छा लगता है तो इन ज़रूर बनाना आपको बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी और बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हो गया आपके भी खाउसे आई होप आपको आज की रेसिपी और ब्लॉग अच्छा लगा होगा अल्लाह आपके खानों में और रिस्क में बहुत सी बरकत दे और अपना और फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखे इनशाला मिलती हूँ नेक्स्ट व्लाग में अल्लाह हाफिज़ टेक केयर